नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीपाथ मेकर्स पर। आज अपने बात करेंगे पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत गाय की नस्लें अपने पढ़ चुके थे। आज अपने बात करेंगे भैंस के बारे में, सामान्य जानकारी कुछ नस्लों के बारे में। मतलब इतना इतना अपना पढ़ेंगे कि आपने शायद मतलब यहाँ से अपना प्रश्न कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भैंस के बारे में। भैंस को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। फिर अपने बात करते हैं संसार की कुल भैंसों में लगभग लगभग 95% भाग अपने जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं भारत के अंदर मान्यता प्राप्त भैंस की नस्लें कितनी है? 13 नस्लें हैं, ठीक है। अपने NCERT के अनुसार कितनी है? 13 नस्लें हैं। फिर अपने बात करते हैं NBAGR मतलब राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान ब्यूरो जो करनाल हरियाणा के अंतर है, इसके अनुसार कितनी है? 16 है, ठीक है। फिर अपने अब आगे अपने पढ़ते हैं मतलब इसका जो जूलॉजिकल नेम क्या है, ठीक है, कौन से कुल के अंदर आती हैं, तो इसके बारे में आज अपने बात करते हैं। सबसे पहले भैंस के बारे में, तो अपने मैं यहाँ टॉपिक डाल देता हूँ भैंस, ठीक है। भैंस के बारे में सबसे पहले इसका अन्य नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक डायमंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक डायमंड के नाम से जानी जाती है। फिर अपने बात करते हैं भैंस के अंदर संसार की कुल भैंसों का लगभग कितना भाई? 95% भाग। 95% भाग कहाँ पाया जाता है? एशिया महाद्वीप के अंदर, ठीक है। अपना जो भारत है वो कौन से महाद्वीप के अंदर स्थित है? एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है, ठीक है ना, एशिया महाद्वीप के अंदर। फिर अपने बात करते हैं भारत के अंदर मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है इसकी? भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें तो ये कितनी है? 13, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं NBAGR के अनुसार कितनी है भी, और ये NBAGR है कहां भी? मैंने आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन बता दिया, कहां है? करनाल हरियाणा के अंदर है, और पहले कहां था? बेंगलोर के अंदर था, ठीक है ना। तो NBAGR के अनुसार कितनी है? 16 है मान्यता प्राप्त नस्लें, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं भैंस के बारे में विशेष रूप से इसकी जानकारी, तो बात करते हैं इसके जूलॉजिकल नेम, ठीक है। जूलॉजिकल नेम क्या होता है इसका? बुबेलिस, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कौन सी फैमिली के अंतर्गत आती है? फैमिली कौन सी होती है इसकी? बोविडी, बोविडी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, बोविडी। फिर अपने बात करते हैं फैमिली के बाद में इसका तो कौन से जगत के अंदर है, ठीक है। जगत कौन सा है इसका? एनिमिलिया। फिर अपने बात करते हैं जगत के बाद में आ गया कौन सा? विभाग कौन सा है इसका? कार्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा विभाग के अंतर्गत आती है। फिर अपने बात करते हैं विभाग हो गया, उसके बाद में वर्ग की, कौन से वर्ग के अंदर आती है? स्तनधारी को क्या बोलते हैं अपने इंग्लिश में? एनिमिलिया। स्तनधारी को क्या बोलते हैं? मेमिलिया बोलते हैं, मेमिलिया, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं वर्ग के बाद में अपने आता है गण इसका क्या होता है? ऑक्टी ओंडेला होता है, कौन क्या होता है भी? ऑक्टी ओंडेला, ठीक है, ऑक्टी ओंडेला बोलते हैं। कई किताबों के अंदर ऑक्टी ओंडेला है, कई किताबों के अंदर क्या है कि ऑक्टी ओ डेक्टाइला भी नाम दिया हुआ है, तो अपने दोनों लिख देते हैं ऑक्टी ओ डेक्टाइला, ठीक है, ऑक्टियो डेटाइला। वैसे ऑथेंटिक
ये सही मान जाता है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं आगे, गण हो गया, गण के बाद में फिर गाय जो मतलब जो भैंस है, भैंस के जो आवास होता है उसको क्या बोलते हैं, आवास को, आवास, आवास को बोलते हैं सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये इनकी कुछ क्या सामान्य जानकारी है। ठीक है, यहां से प्रश्न क्या है कि आता रहता है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं, ये तो क्या आवास के बारे में, आवास के बारे में उसके बाद में अपने जैसे आगे अपने पढ़ते हैं इस तरीके से, जैसे मतलब उसका जो एनिमल का जो ग्रुप है कौन से, मतलब कौन से ग्रुप के अंदर आती है, जैसे बात करते हैं जैसे गाय का था एनिमल ग्रुप, मतलब पशुओं का समूह है, गाय का पशुओं का समूह वो क्या कहते हैं, भैंस की को क्या कहते हैं, तो दोनों का एक ही है, क्या है, हर्ड कहते हैं उसको, मतलब पशुओं का समूह है, पशुओं का समूह है, क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं कौन सी अडल्ट मेल की, वेशक नर, वेशक नर को क्या बोलते हैं, वेशक नर, वेशक नर को क्या बोलते हैं, बफेलो, दिखाई दे रहे हैं क्या भाई, शायद मेरे को लगता है दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्या बोलते हैं इसको, अडल्ट मेल को बोलते हैं बफेलो बुल बोलते हैं, ठीक है ना, बफेलो बुल कहते हैं। फिर उसके बाद में मतलब अडल्ट फीमेल के बारे में बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सी बफेलो बोलते हैं, मतलब भैंस बोलते हैं, सी बफेलो या भैंस बोलते हैं, ठीक है ना, और अडल्ट मेल को क्या बोलते हैं, भैंसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भैंसा बोलते हैं, ठीक है ना, अपने आम भाषा में बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, भैंसा बोलते हैं। अडल्ट का मतलब क्या होता है, बेशक, बेशक मतलब, मतलब जो मतलब प्रजनन कर रहा है वो, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने बात करें, मैं ये बात पूरी पूरी मैं आपको यहां बता देता हूं, मैं वेशक नर, तो वेशक नर किसको बोलते हैं, वैसे अपने बात करें तो वेशक नर किसको बोलते हैं, बफेलो बुल को बोलते हैं, और वैसे अपने इसको क्या बोलते हैं, भैंसा बोलते हैं, ठीक है, भैंसा, वेशक नर बफेलो, ठीक है। अब अपने बात करें वेशक मादा, वेशक मादा क्या कहलाती है, भैंस कहलाती है, भैंस कहलाती है, अंग्रेजी में बात इसको क्या बोलते हैं, सी बफेलो बोलते हैं, सी बफेलो बोलते हैं, सी बफेलो बोलते हैं, ठीक है। फिर अपने बात करें वेशक नर हो गया, वेशक मादा होगी, फिर बाद में बात बार यंग मेल को क्या बोलते हैं, यंग मेल को क्या बोलते हैं, कट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कट्टा, यंग मेल को, यंग जो मेल होता है उसको क्या बोलते हैं, कट्टा बोलते हैं, और यंग मेल को कट्टा बोलते हैं। उसके बाद में यंग फीमेल को, यंग फीमेल होती है उसको क्या बोलते हैं, अभी बफेलो, बफेलो कॉफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बफेलो कॉफ बोलते हैं। फिर अपने बात करते हैं आगे, आगे अपने थोड़ा सा और इनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे मतलब उनके जो 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 मतलब भैंसा होता है उसका जो भैंसा, भैंसा मतलब जानते हो ना क्या होता है, तो भैंसा को जो अपने उसको क्या कर देते हैं, बंदिया कर्त कर देते हैं, ठीक है, या तो उसकी मतलब अब बोलते हैं ना टेसेक्टोमी, टेसेक्टोमी नाम सुना होगा आपने, टेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी तो किसके अंदर पाई जाती है, मतलब फीमेल के अंदर होती है, और टेसेक्टोमी किसके अंदर पाई जाती है, नर के अंदर पाई जाती है, तो मतलब उसके जो नर भाग होते हैं, मतलब शुक्राणु जो मतलब छोड़ता है उनको मतलब काट देना या मतलब बंदियाकृत कर देना, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बंदियाकृत नर, तो बंदियाकृत नर को क्या बोलते हैं, स्टीर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टीर बोलते हैं। फिर अपने बात करते हैं आगे, बंदियाकृत नर हो गया, बंदियाकृत नर के बाद में आगे हो गया इसके मांस, मांस क्या होता है, मांस क्या कहलाता है, अभी बफन कहलाता है, क्या कहलाता है, बफन, या एक और नाम है इसका क्या है, फ्लेश, ठीक है, बफन, यहां फ्लेश, और भैंस के
छोटे जो मतलब जो भैंस का जो छोटा जो बच्चा होता है उसका मांस क्या 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 कहलाता है, कैरा बीफ कहलाता है, ठीक है ना, क्या कहलाता है, कैरा बीफ कहलाता है, ठीक है। फिर अपने आगे बढ़ते हैं, बच्चे देने की क्या कहलाती है, क्लेविंग या काविंग नाम आता है, दो नाम आते हैं, क्लेविंग या काविंग। क्लेविंग तो मतलब हिंदी का शब्द है और क्लाविंग मतलब ये दोनों एक से एक ही शब्द है, एक ही भाषा के हैं, ठीक है ना। तो मतलब बच्चे देने की क्रिया भैंस के बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, भैंस के बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, क्लेविंग, ठीक है, क्लेविंग या काविंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, काविंग, ठीक है, क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। फिर अपने बात करते हैं इसकी जो यौन क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, दोनों की सेम है, यौन क्रिया, यौन क्रिया, यौन क्रिया क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है, क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है, यौन क्रिया सर्विंग कहलाती है। और इसका जो नवजात होता है, जो नवजात जो बच्चा है, नवजात बच्चा किसका, भैंस का जो नवजात बच्चा है, जो बच्चा है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं, बफेलो काफ, बफेलो काफ बोलते हैं, ठीक है। फिर अपने आगे बढ़ते हैं, देखो आज आज अपने क्या क्या चीज पढ़ी, सबसे पहले अपने पढ़ा कि मतलब जो भैंस है, भैंस को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, क्या क्या बोलते हैं, ब्लैक डायमंड कहते हैं, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है भारत से हुई है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं संसार के अंदर, मतलब जो भैंसे हैं संसार की जितनी भी कुल भैंसे हैं उनके अंदर 95% है वो कहां पाई जाती है, एशिया महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। फिर अपने पढ़ा भारत में मान्यता प्राप्त कितनी नस्लें हैं, 13। फिर अपने पढ़ा NBAGR के अनुसार कितनी नस्लें हैं, 16। फिर अपने पढ़ा कि जो भैंस है, भैंस को, भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या नाम है, बुबेलिस बबेलिस बोलते हैं, ठीक है, बुबेलिस बबेलिस बोलते हैं। फिर अपने पढ़ा इसकी फैमिली क्या है, फैमिली क्या क्या थी इसकी, बोविडी के बोविडी थी। फिर अपने पढ़ा इसका जगत कौन सा है, एनिमिलिया। फिर उसका पढ़ा विभाग कौन सा है, विभाग कौन सा है इसका, कार्डेटा विभाग के अंतर्गत आती है। फिर अपने पढ़ा इसके इसके बारे में मतलब कौन से वर्ग के अंदर आती है, स्तनधारी होती है, स्तनधारी जो मतलब क्या होती है, दूध देती है, उसको बोलते हैं स्तनधारी, ठीक है। फिर अपने पढ़ा इसका गण, गण कौन सा था इसका, कौन सा था विषण, ओटियो ओटियो एक डाइट ओटियो ए डाइट डेटाइला ओटियो एक डेटाइला इसको ये नाम है ना थोड़ा सा मतलब है तो टफ नाम है, इसको याद करने के लिए आपको मैं आपको बता देता हूं कैसे नाम याद होगा, ये ओटियो ओटियो डेटा इला, इस तरीके से नाम देंगे इसको ना, बीच बीच में से क्या कर लो, इसको तोड़ लेना चाहिए, तो ये बड़ा नाम है, ये याद हो जाएगा आपके, ठीक है, ओटियो डेटाइला, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं इनके जो इनके बारे में और पढ़ा अपने, इनके घर को क्या बोलते हैं, इनके घर को क्या बोलते हैं, शेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो मतलब भैंसे पाली जाती है किसके नीचे, मतलब उनका जो घर होता है उसको अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं केवल कहां कर पसंद घर बांध दो, शेड के नीचे बांध दो। फिर अपने बात करते हैं मतलब जो भैंसों का समूह था, भैंसों का क्या था, समूह था, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, गाय व भैंस दोनों के समूह को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। फिर अपने बात की उसके जो मतलब इसके जो कौन था, अडल्ट मेल, अडल्ट मेल मतलब वयस्क जो नर था उसको क्या बोलते हैं, बफेलो बुल बोलते हैं, या अपने क्या बोलते हैं, भैंसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, भैंसा बोलते हैं, अडल्ट बुल को क्या बोलते हैं, भैंसा। फिर अपने बात की किसके बाद में, अडल्ट मेल, अडल्ट मेल के बाद में अडल्ट फीमेल, मतलब क्या कि मतलब जो वयस्क जो मादा है उसको क्या बोलते हैं, अपने नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, भैंस बोलते हैं, वयस्क मादा को क्या बोलते हैं, भैंस बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सी बफेलो बोलते हैं, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं उसके बाद में जो मतलब यंग मेल है, यंग मेल को क्या बोलते हैं, और उसके बाद में पढ़ा था यंग मेल, यंग मेल के बाद में यंग फीमेल, यंग मेल को क्या बोलते हैं,
यंग मेल को बोलते हैं भी कट्टा, या मतलब यंग मेल को तो क्या बोलते हैं अपने कट्टा भी, जो मतलब कम से कम या 3 या 4 साल का होता है उसको क्या बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं भी जो भैंस का जो बच्चा होता है 3 या 4 साल का, तो अपने नॉर्मल भाषा में ये तो नॉर्मल बात है, ये क्या बोलते हैं उसको, कट्टा बोलते हैं, ठीक है ठीक है। और अपने साइंटिफिक परिभाषा के अंदर क्या बोलते हैं, बफेलो काप बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। फिर अपने पढ़ा इसके बाद में इसकी जो फीमेल होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, हिफर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिफर, बफेलो हिफर। तो मतलब हिफर तो अपने गाय के अंदर भी पढ़ा था, और मतलब भैंस के अंदर भी क्या होता है, भैंस का नाम याद कर लेना भी, क्या नाम है, बफेलो हिफर, हिफर हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न सही सही हो जाना चाहिए। फिर है आपके अपने पढ़ा था भी, मतलब इसका जो बंध्याकृत नर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टीर बोलते हैं। फिर अपने पढ़ा था, फिर अपने इसको स्टीर बोलते हैं। फिर अपने इसको इसके बारे में पढ़ा था, इसका मांस होता है वो, उसको मांस को क्या बोलते हैं, बफन बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है फलेस। फिर उसके बारे में पढ़ा था जो इसका जो बच्चा होता है उसके मांस को क्या, मांस को क्या बोलते हैं, उसके मांस को क्या बोलते हैं, बच्चे के मांस को, बच्चे के मांस को क्या बोलते हैं अभी, केरा बीफ बोलते हैं। फिर अपने पढ़ा भी जो जो भैंस है जो मतलब बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, उसकी क्लेविंग या काविंग कहलाती है। फिर अपने पढ़ा भी यौन क्रिया, मतलब जो यौन कर रहे हैं इन इन प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सर्विंग बोलते हैं। गाय भैंस के अंदर भी क्या होती है, सर्विंग होती है, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं नवजात बच्चा, नवजात बच्चा को क्या बोलते हैं, बफेलो कफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बफेलो कफ बोलते हैं। फिर अपने अब आगे पढ़ेंगे अपने इसका जो मध चक्र होता है वो कितने दिनों का होता है, ठीक है, और मध काल होता है वो कितने दिनों का होता है, अंडोसर का समय कितना होता है, ये अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने किसकी, मध चक्र, मध चक्र कितना होता है भी, 21 दिन का क्या होता है, मध चक्र होता है, कितने दिन का, 21 दिन का, ठीक है। फिर अपने आगे बढ़ते हैं, ये क्या है इसका, क्या इसका आप क्या करोगे अलग से ना, इसको 3-4 बारी इसको आप क्या करोगे, मतलब रफ कॉपी कर इसको उतार कर ना, रफ कॉपी कर इसको 3-4 बार उतार कर, और 3-4 बारी मतलब देख देख मतलब देखा देखी मतलब करके ना इसको याद कर लेना, तो याद हो जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसे मतलब ये नॉर्मल है, ऐसे तो है नहीं, और यहाँ से प्रश्न क्या है कि आता रहता है, ठीक है। तो अपनी बात करते हैं मध चक्र, मध चक्र कितने दिन का होता है, 21 दिन का, ठीक है। और मध काल कितने दिन का होता है अभी, मध काल का मतलब होता है ये कितने घंटों के अंदर होता है, तो लगभग कितने घंटों का होता है ये, लगभग 12 से लेके 36 घंटे, ठीक है ना, 12 से लेके 36 घंटे का क्या होता है, मध काल होता है। फिर अपने आगे पढ़ते हैं इसका अंडोत्सर्ग का समय, अंडोत्सर्ग का समय कितना होता है, लगभग कितना होता है, शायद 4 घंटे से लेके 30 घंटे तक अंडोत्सर्ग का समय कितना है, 4 घंटे से लेके 30 घंटे तक। फिर अपने बात करते हैं यौवन आयु कितनी होती है, लगभग 2.5 साल मान लेते हैं, 2.5 साल का मतलब 24 से लेके 30 माह है यौवन आयु का मतलब, यौवन के लिए क्या हो जाती है ये, इतने समय के अंदर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। फिर अपने बात करते हैं गर्भित करने का सही समय, तो गर्भित अपने कब करेंगे, मध के अंत के अंदर ही करेंगे, ठीक है, मध के अंत में, ठीक है, मध के अंत में करते हैं। फिर अपने बात करते हैं इसका गर्भाकाल, गाय का गर्भाकाल कितना था अभी, गर्भाकाल भैंस का गर्भाकाल होता है 307 से 310 दिन, क्योंकि
अब मैंने ये यहाँ 307 से 310 दिन क्यों लिखा है, इससे मतलब क्या है कि प्रश्न, यदि आपसे कोई प्रश्न आता है कि 9 आ गया इसके अंदर, 8 आ गया, ऐसा नहीं है कि 7 दे दिया मतलब 9 दे दिया 10 दे दिया, इस तरीके से प्रश्न नहीं आते हैं आपके, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं इसके तापमान का, भैंस का जो तापमान होता है वो कितना होता है, बात करें अपने किसके अंदर, सेंटीग्रेड के अंदर बात करें या मतलब सेल्सियस के अंदर बात करें तो कितना होता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस। और बात करें अपने किसके अंदर, फारेनहाइट के अंदर बात करें वो कितना होता है, फारेनहाइट के अंदर होता है कितना, 100 फारेनहाइट होता है, ठीक है ना। फारेनहाइट के अंदर कितना होता है, 100 होता है। फिर अपन बात करते हैं इसकी श्वसन दर ठीक है, प्रति मिनट के अंदर मान जाती है, श्वसन दर किसके अंतर्गत मान जाती है, प्रति मिनट के अंदर, मतलब एक मिनट के अंदर कितना सांस ले रहा है पशु, वो क्या कहलाती है, उसकी श्वसन दर कहलाती है। जैसे कितना हो गया इसका, 14 से लेके 20 होती है, 14 से लेके 20 बार ये क्या करता है, एक मिनट के अंदर मतलब सांस लेता है। फिर अपने बात करते हैं ये इसकी जो नाड़ी गति होती है वो कितनी होती है, नाड़ी गति कितनी होगी, 20 से लेके कितनी 40 या 42, ठीक है, 20 से लेके 40 या 42 नाड़ी गति इतनी होती है शायद, 40 से लेके 42 होती है, ठीक है, 40 से लेके 42। मैंने इस तरीके से आपको याद कराने के लिए एक ये नाड़ी गति और श्वसन गति है ना, ये अपने इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको, किस तरीके से कि अपने बात करते हैं ये है नाड़ी और ये है श्वसन गति, नाड़ी गति कितनी है अपने पास, कितनी है, 40 और 20, 40 से लेके 42 है, ठीक है, और ये कितनी है, 14 से लेके 20। तो इसको आपने याद कर लेना इस तरीके से, तो 20 ध्वनि कितने होते हैं, 40, ठीक है, 20 ध्वनि कितने होते हैं, 40 होती हैं, और याद हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से 20 ध्वनि 40, तो 20 नाम है ये, यहाँ से क्या है, 20 है, तो मतलब कम संख्या कम है, शब्द की संख्या क्या है, ज्यादा है, मतलब इस तरीके से। नाम क्या है इसका, नाम है श्वसन, क्या नाम है इसका, श्वसन नाम है, बड़ा नाम है, किससे, नाड़ी से, नाड़ी दो अक्षरों का नाम है, ये है बट 4 अक्षरों का नाम, पर बट क्या करना है, बड़ा है पर होता कम है, कितना होता है भैया, 20 होता है, ठीक है, बड़ा है तो होता कितना है, 20 होता है। नाड़ी, नाड़ी है होती नाम, नाम छोटा है पर काम इसके बहुत बड़े हैं, ये नाड़ी होती है ना, किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, कोक्षजल धमनी के द्वारा ज्ञात की जाती है, और कोक्षजल धमनी कहाँ होती है, पशुओं के पूंछ के पास होती है, ठीक है ना। नाड़ी गति कितनी होगी, 40, ठीक है ना, 20 दुना कितनी होगी, 40, इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, इससे मतलब रिलेटेड आएंगे, मतलब 20 से कम होगी ये, और ये इसकी संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब अपने ये थी इसकी सामान्य जानकारी, ठीक है, पढ़िए सामान्य जानकारी। अब अपने बात करते हैं आगे भैंस की, भैंस का अपने क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण करने से पहले अपने को आपको एक चीज का पता होना चाहिए, वर्गीकरण, भैंस मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो जी हाँ जी, एक तो जंगल में रहे बिन के बोले जंगली, ठीक है, एक वह किसी, कौन सी, एक तो होती है जो जंगल में रहती है उसको बोलते हैं जंगली, एक जगह आप घर जगह पाला बिन के बोले पालतू, ठीक है, पालतू, तो मतलब 2 प्रकार की होगी, ठीक है ना, एक तो जंगल में रहने वाली जंगली होगी जंगली कहते हैं, और दूसरी जो घर पे अपने पालते हैं उसको क्या बोलते हैं, पालतू, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे भैंस का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, गाय का अपने अपने वर्गीकरण किया था, 3 भागों से बांटा था, पता होगा, दूध वाली, वो अलग 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 दुधारू, दुर्प्रयोजनीय, ठीक है, भारवाई, इसी तरीके से अपने इसका भी वर्गीकरण कर रहे हैं। तो बात करते हैं अपने सबसे पहले इसकी, 2 भागों के अंदर ये बांटी गई है कोली, पहली कौन सी भी, जंगली, जो मतलब
जंगलों के अंदर क्या करती है, निवास करती है। फिर अपने बात करते हैं दूसरी कौन सी, पालतू, मतलब जो मनुष्य क्या करता है, इसको पालता है, उत्पादन लेता है इससे, मतलब इसका दूध लेता है, मतलब कृषि कार्यों के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कृषि कार्यों के अंतर्गत 10% भैंसों का योगदान है अपने कहाँ पे, यहाँ पे मतलब भैंसों के अंतर्गत यदि बात करें कि कितना योगदान होता है, 10% इसका योगदान है कृषि कार्यों के अंतर्गत है। मतलब अपने यहाँ पे तो नहीं होती है, लगभग अपने बात करें जो मतलब पहाड़ी जो इलाका है ना, वहाँ पे मतलब क्या है, इन भैंसों से क्या की जाती है, कृषि क्रियाएं, जो कृषण क्रियाएं हैं वो करवाई जाती है। फिर अपने बात करते हैं, ये होगी पालतू। पालतू को दो भागों में अंतर्गत बांट दिया, कौन कौन सी, पहले अपने बात करते हैं कौन सी, एक तो होगी जलीय और दूसरी होगी दलदली वाली। पहली कौन सी, जलीय। जलीय को क्या बोलते हैं, भारतीय नस्ल भी बोलते हैं, भारतीय नस्ल भी कहते हैं इसको, ठीक है। फिर अपने इसकी इसके बारे में बात करें, और इसके 2N बराबर कितना होता है, इसका 2N बराबर कितना होता है, 50 होता है, कितना होता है, 50। फिर अपने बात करते हैं इसके बारे में, जो विदेशी नस्ल है, विदेशी, ठीक है, विदेशी, विदेशी को क्या बोलते हैं, दूसरा दलदली, दलदली नस्ल, ठीक है। इसका जो गुण सूत्र होता है, इसका जो 2N बराबर कितना होता है, 48 होता है, ठीक है। फिर अपने ये तो इतना है, आज सामान्य जानकारी थी ये, अपने आज अपनों ने क्या की थी इसके बारे में पढ़ा है। अब आगे अपने पढ़ेंगे इनके बारे में, कुछ और सामान्य जानकारी है उसके बाद अपने पढ़ेंगे इसकी नस्लें। नस्लें पढ़ने के बाद में मतलब इस तरीके से अपने इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका यहाँ से कृषि प्रशासन के अंदर, जेट के अंदर, ICAR के अंदर, BHU के अंदर, कोई भी जो एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो आपका, यहाँ से प्रश्न कोई बाहर आउट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, धन्यवाद।